I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये मेरे घर में पुलिस क्या साहब आपकी बहन का खून हो गया क्या हरामजादे तूने मेरी बहन का खून किया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टाइगर साहब रुक जाइए आप नहीं जानते इसने मेरी बहन को मारा है मैं इसे जान से मार दूंगा कैदी बहादुर का जुर्म है हरामजादे खानदानी चोर तेरा बाप मूर्तियां चुराया करता था और तू खूनी बन गया मैंने खून नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब इस हरामजादे को ले जाइए फांसी पे चढ़ा दीजिए इसे जरूर चढ़ाइए इंस्पेक्टर साहब लेकिन उस जुर्म के लिए नहीं जो मैंने नहीं किया है बल्कि उस जुर्म के लिए जो अब मैं करने जा रहा हूं बाप के खून और मां के दूध का कर्ज चुकाना औलाद का फर्ज होता है टाइगर आज मैं वो फर्ज पूरा करने जा रहा हूं नाम के टाइगर तुझे गली का कुत्ता बना करके मारूंगा माँ जी आपका बेटा पागल हो गया मेरी बहन का खून कर दिया आप मुझे मारना चाहता है भैया पिस्तौल फेंक दो भैया नहीं शंकर पिस्तौल मुझे दे दो नहीं गौरी तुम इस बदमाश को नहीं जानती हो रुक जाओ भोला माँ हट जा सामने से ये वही जालिम है जिसने तुम्हारी आंखों का नूर छीना तुम्हारी मांग का सिंदूर नोच लिया मैं आज इसे जान से मार डालूंगा माँ हट जा सामने ये खून करके तेरा जी नहीं भरा तो दूसरा खून करना चाहता है शायद इसलिए भगवान ने मेरी आंखें ले ली कि तू जैसे बेटे का मुंह न देख सकूं हिरण्यकश्यप राक्षस था उसके घर में प्रह्लाद पैदा हुआ था तेरा बाप तो धर्मात्मा था अरे दशरथ के घर में रावण कैसे पैदा हो गया इस भक्त साहब इसे ले जाइए इसे अब चढ़ा दीजिए सूली नहीं माँ इंस्पेक्टर साहब इस पागल को जल्दी ले जाकर फांसी पे चढ़ा दीजिए वरना ये एक दो खून और कर देगा टाइगर निशाना एक बार चूक सकता है दो बार चूक सकता है लेकिन तीसरी बार नहीं चूकेगा माफ कर दो दारोगा जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कसूर तो हमारे ससुर जी का है उसने दहेज में हमका ट्रक देने का वादा किया था और दे दिए बैलगाड़ी देखा ना इसमें हमारे बाबू का कोई दोष नहीं है दारोगा जी इसको तो ट्रक चलानी ही नहीं आती और फिर देखे से बैल का तो बैल गाड़ी ही मिलेगी ना अरे हाँ हमका बैल कहे थे दारोगा जी ट्रक तो आजकल लड़कियां भी चला लेती क्यों गोरी अरे हाँ हम कुत्ते की जैसा बैलगाड़ी हटाने की कोशिश कर रहा था किसी को भेजो भाई हटवा दो किसी को भेजो ना भेजो भेजो आओ 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 शंकर तो इसलिए भागा क्योंकि उसकी मौत बुला रही है उसे लेकिन तुम लोगों के चेहरों पे मौत का अंधेरा क्यों छाया हुआ है हा? ये लो अब की बार शंकर यहां से जिंदा बच के वापस ना जाने पाए क्योंकि मां और बहन की मोहब्बत और मेरे साथ बढ़ती हुई दुश्मनी उसे यहां तक जरूर खींच के ले आएगी गौरी तुम यहां क्या करो शंकर शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है कहां वो पुल के पास वाले कुएं पर क्यों क्या बात है उसकी शादी तो हो रही ना हाँ हाँ उसके ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे लोग हैं शादी भी उसी तरह की पक्की हुई है फिर लेकिन तेरी बहन माने तब ना बिल्कुल तेरी तरह जिद्दी है क्यों क्या बोल रही है कह रही है जब तक ये कंगन तुम अपने हाथों से उसे नहीं पहनाओगे वो शादी नहीं करेगी शायद तुमने कुछ वादा किया था उससे बचपन में माँ शांति की शादी में मैं इसे कंगन अपने हाथों से पहनाऊंगा शंकर थाम में आ जाओ
अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। शंकर तुम इस रास्ते से भाग जाओ। ठीक है गौरी, लेकिन शांति से कहना उसके राखी की धागे की कसम ये कंगन पहनाने से जरूर आऊंगा। अरे कोई डॉक्टर को बुला के लाओ। मैं नहीं आता। शांति, शांति आंखें खोलो। शांति, शांति। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, गोली तो निकल गई लेकिन गले में काफी गहरा जख्म है। मैं कुछ नहीं कह सकता, अब सब कुछ भगवान के हाथ। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। मेरी बहन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर साहब, कोई नहीं छीन सकता। मेरी कसम शांति, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को शमशान घाट बना दूंगा। बहन भाई के रिश्ते का नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। शांति, तू सुन। भोला, हाँ माँ। हाथ हत्यारे, हाथ मत लगा मेरी बेटी को। ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी बेटी की जान किसी और ने नहीं, तूने ली है। बड़ा अरमान था कि बहन की डोली को अपने कंधों से विदा करे। माँ, ये भूल गया था कि तूने भी किसी की बहन की जान ली थी। क्या वो भाई खून के आंसू न रोया होगा? माँ चुप हो जा। उठा अपनी बहन की आरती को अपने कंधों पर और पहुंचा इसे स्मशान। माँ चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, क्या मैं चुप हो जाऊं? पापी राक्षस मेरी बेटी की जान ली और कहता है मैं चुप हो जाऊं? माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा। हाँ हाँ, मैं चुप हो जाऊंगी। अधर्मी, नास्तिक, हत्यारे, दबा दे मेरा गला, चुप करा दे मुझे। माँ और बेटी दोनों को एक ही चिता में जोड़। चुप हो जा माँ, भगवान के लिए चुप। भगवान, आज मैं हार गया। आज मेरा अभिमान टूट गया। हम मिट्टी के खिलौने टूट सकते हैं भगवान, लेकिन तुम नहीं टूट सकते। 20 बरस तक मैंने तुम्हारे दर पे पांव नहीं रखा, लेकिन आज तुम्हारी चौखट के सामने अपना सर झुकाने आया हूं भगवान। मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ पत्थर समझा था, पत्थर। मैं रास्ते से भटक गया था भगवान, भूल गया था कि तुम इस तरह भक्तों की परीक्षा लेते हो। पांडवों को दुख भूल गया, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा भूल गया, भूल गया कि राम का रूप लेकर तुम खुद 14 बरस वनवास काट चुके हो। वो ज्ञानी लोग थे प्रभु, अपनी परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन मैं मूर्ख नादान अपनी परीक्षा में सफल ना हो पाया। मैं तुम्हारी असलियत ना पहचान पाया भगवान। मेरे पापों की सजा मुझे मिलनी चाहिए भगवान, मुझे, मेरी बहन को नहीं। जिंदगी और मौत के मालिक तुम हो प्रभु, चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी शांति की जान बचा लो। भाई बहन की डोली को कांधा देता है, उसकी अर्थी को नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं प्रभु, मेरी शांति को जिंदगी दे दो। मेरी शांति की जान बचा लो प्रभु, मेरी शांति की जान बचा लो।
भगवान, अगर तुमने मेरी शांति को जिंदगी न दी तो तुम्हारे इस मंदिर का एक एक पत्थर मेरे खून से रंग जाएगा। तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी शांति को जीवन दे दिया तूने भगवान। तू बहुत कृपालु है भगवान, बहुत कृपालु है। शांति माँ, माँ भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, हमारी शांति ठीक हो गई। गौरी देखा तुमने भगवान का चमत्कार, हमारी शांति ठीक हो गई। गौरी बलबीर भगवान का चमत्कार देखा तुमने, हमारी शांति को जीवन मिल गया। की आंख, ये दोनों आंखें एक जैसी, ये दोनों उसे बदमाश किए। देखो ऐसी आंखें तो उस डब्बे में थी। वो डब्बा तो मुझे पानी में मिला था, इन आंखों में हीरे थे। हाँ बापू, ये आंख उस बदमाश की ही है, उसी ने शांति पर गोली चलाई थी। पुजारी के पिल्ले, बचपन में तू मेरी एक आंख निकालकर भाग गया था, आज तुझे उस आंख की कीमत अपने पूरे खानदान के खून से चुकानी पड़ेगी। खून तो तेरा मैं पीऊंगा हरामजादे, तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, मैं तेरी मौत इतनी खराब कर दूंगा कि तुझे देखकर मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। रुक जा बुड्ढे, वरना इतनी गोलियां चलाऊंगा कि तेरे जिस्म के चीथड़े हवा में उड़ते नजर आएंगे। बहुत दिनों से तुझे मेरी तलाश थी ना, आज मैं तेरी तलाश खत्म किए देता हूं। शैतान की औलाद, आज मैं तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। तुम अंदर चलो माँ, आओ माँ। कमीने, भगवान को बेचकर खाने वाले
पहले मेरी मां के सामने चलकर अपने अपराध को भूल कर, और 20 साल पहले वो भगवान की मूर्ति किसने चुराई थी? मैंने, मैंने और इल्जाम तुझ पर और तेरे बापू पे लगा दिया था। मेरे बापू की जान किसने ली थी बोल? मैंने, मैंने। और तेरी बहन को किसने मारा था? मैंने? नहीं, मैंने खुद। वो रास्ते में आ गई थी, चाकू से लग गया। मुझे माफ कर दे। तुझे तो भगवान ही माफ करेगा, वही कर सकता। चल मां, मैंने सब सुन लिया है, तुम निर्दोष हो। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.